अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज व्लॉग का स्टार्ट मैंने सुबह सुबह कर लिया है और अभी सब सो रहे हैं। मैं सुबह उठ गई थी, उठ के मैंने नमाज पढ़ी और अब इन बच्चों को भी उठाऊंगी, हस्बैंड को भी उठाऊंगी। चलें आपको दिखाती हूँ सुबह सुबह कैसा मौसम हो रहा है। सर्दियों की सुबह है, सर्दियों की सुबह बहुत ही खूबसूरत लगती है। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। आज इतनी धुंध नहीं है, वरना बहुत ज्यादा धुंध होती है। ये जो सामने मकान है ये नजर नहीं आ रहे होते, इतनी ज्यादा धुंध होती है, लेकिन आज नहीं है। चलें अब चलते हैं, बच्चों को उठाते हैं, हस्बैंड को उठाते हैं। बच्चे उठ गए थे, नमाज पढ़ ली उन्होंने, अब उन्होंने आज उन्होंने स्कूल जाना है। मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, उनको नाश्ता बना के दूंगी, साथ लंच उनका रेडी करूँगी। बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले जाएंगे। बच्चे रेडी हो रहे हैं तो अब मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। साथ ही मैंने ये चने, आज सोचा कि चने पकाते हैं दोपहर में लंच के टाइम, चने भी गोती हैं तो सुबह भी गोदूंगी तो दोपहर को फिर लंच में इसको बनाएंगे। हस्बैंड मेरे आज ये अदरक ले आए इतना सारा, तो सोचा इसको साफ करके वो भी फ्रीज कर दूं, क्योंकि अगर इसको वैसे ही रख दें तो ये ख़राब हो जाता है जल्दी। तो इसको साफ करके इसके पीस करके जितना मुझे ज़रूरत होगी लहसुन के साथ इसे ग्राइंड कर लूँगी, बाकी इसे फ्रेश कर लूँगी। इकट्ठी चीज़ ले आते होते हैं एक साथ तो फिर ज़रा आसानी रहती है, हमें ज़रूरत होती है मैं इनको निकाल। ये जो कल मैंने आपको दिखाया था कि मैं कटिंग कर रही हूँ, अपनी बेटी का सूट सीने लगी हूँ, वो मैंने सिलाई कर ली है। हाँ, बटन लगाने हैं, बटन लग जाएंगे, ये उसका सूट कंप्लीट है जी। अब मैं सालन बनाने लगी हूँ। काले चने सुबह आपको दिखाए थे मैंने कि मैंने उसको भिगो दिया था। अब लंच तैयार करना है दोपहर का, तो ये काले चने हैं, उनका पानी निकाल दिया, उसको एक से दो दफ़ा दोबारा धो के इसमें अब मैं इतना पानी डाल दूंगी कि मेरे चने गल जाएं। ये प्याज हैं, दो से तीन प्याज दरमियाने साइज़ के, वो मैंने काट लिए। टमाटर हैं, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन, ये मैं ग्राइंड करके रखती हूँ तो ये हैं। और उसके अलावा नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया, धनिया और ज़ीरा पहले भून लेती हूँ, उसको मैंने पीस के रखा हुआ है। ये लाजमी मैं हर सालन में मैं एक चमची में ज़रूर डालती हूँ। अब मैं ये सारी चीज़ें इसमें डाल के और पानी डाल के इसमें इसको गलने के लिए रख दूँगी। जब चने गल जाएंगे, पानी खुश्क हो जाएगा, तो घी डाल के इसको भून दूँगी। और चलें फिर मैं इसे बना के फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो अब है दोपहर का टाइम, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम है, थोड़ी देर तक बच्चों ने आ जाना है। सालन मेरा पक रहा है, रोटियां बना के रख दूँगी, क्योंकि उन्होंने आते ही स्कूल से कुछ ना कुछ खाने को चाहिए उन्हें, इसलिए ये आटा है जो मैंने गूंद के रखा हुआ था फ्रिज में। सुबह ही गूंद लेती हूँ क्योंकि फिर नाश्ता बनाना होता है और साथ ही फिर दोपहर का भी होता है, फिर शाम का भी, तो इसलिए सुबह नाश्ते का टाइम गूंद देती हूँ। अब बच्चे आने वाले हैं, रोटी बनाते हैं, बच्चों को लंच दे के फिर आपसे मिलेंगे। ये मेरा सालन रेडी हो गया, ये देखें, बाद में घी डाल के उसको भून लिया था और फिर बाद में पानी डाल के छोड़ दिया। आलू डाले थे, आलू भी गल गए हैं, हरा धनिया डाल दिया है। ये आज का मेरा लंच हो जी। अब शाम का टाइम है,
बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, बच्चे बिठाऊंगी अपने। मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं, खुद ही घर में काम करते हैं, स्कूल का सारा होमवर्क। तो अब मैं उन्हें पढ़ाने लगी हूँ। ये उनके बैग्स हैं और वो तैयारी कर रहे हैं होमवर्क करने की। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।